हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम यू ऑल इन द क्विज शो फॉर लेडीज. दिस इज आवर स्पेशल क्विज फॉर लेडीज. यस, आप सभी का स्वागत है. मनीषा जी, खुशी सिंह, ममता राय और माही गोयल, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं. और अभी कुछ लोग हमसे और जुड़ने वाले हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं. और फिर एक बहुत ही अच्छा क्विज शो हम लोग स्टार्ट करेंगे. हिमांशु पांडे, आपकी आईडी इसकी भी है. आप भाभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. यस, आप माही की मदर हैं. अब तक हम लोगों ने दो क्विज शो किया है जो कि लेडीज़ को समर्पित है. बहुत सारे क्विज शो हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए हुए हैं. और उन क्विज शो में आपके बच्चों ने, मोस्टली आप लोगों के बच्चे हैं. चांदनी जी, आपका भी स्वागत है. मेरे ख्याल से आप इंदौर से हैं. मुझे कल आपका परिचय प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा सुनकर. तो आज आपका फिर से स्वागत है. तो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और आप लोगों भी फर्स्ट शो में जो इंट्रोडक्टरी था उसमें आप आए थे, सब लोग बहुत लोग थे. सेकंड में थोड़े कम लोग थे, शायद कुछ प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया था. शायद मेरी मिस्टेक थी, नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं मिल पाया था या लेट मिला था. लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस बीच आपके काफ़ी फ़ोन आए, काफ़ी कमेंट आए कि मैम मॉम क्विज नहीं हुआ क्या, जो कि ऑलरेडी हुआ था. शायद आप तक सही से इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई थी. यस मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ. आप उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छी होंगी. क्यों भाई, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपनी मम्मी को भी कह सकते हैं. कोई बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि सिर्फ आपकी मम्मी ही उसका उत्तर दे सकती हैं. तो आप जो है कोशिश करिए कि अपनी मम्मी को भी इन्वॉल्व करिए. क्योंकि मैं एक अध्यापिका होने के नाते मुझे अक्सर इन सब बातों से दो चार होना पड़ता है. यस, गॉड कांट कम एवरीथिंग सो ही मेड मदर्स. यस मनीषा, यानी मनस्वी. आज मेरे ख्याल से मनीषा जी भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो एज अ टीचर मैंने अनुभव किया है, अनुभव की मदर भी आ गए इसलिए मैं बता रही हूँ. मैंने अनुभव किया है कि यस कविता जी, मैं बहुत अच्छी हूँ. और आज मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप सबको के साथ शेयर करना चाहती हूँ. कभी कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहाँ पे शायद मदर्स हेसिटेट करती हैं, या फिर बच्चे भी कैसा कहते हैं कि आपको क्या बातें समझ में आएंगी, नहीं आएंगी मम्मी आपको, वहाँ जाएंगी तो टीचर्स इंग्लिश में बात करेंगे, आपको नहीं समझ में आएंगी. ये सब चीज़ें बात हैं, बच्चे भी आपको ऐसा कहते हैं. और जब कभी पापा नहीं आते हैं, हम लोग बच्चों से नेक्स्ट डे पूछे थे व्हाई योर मदर डिड नॉट कम, वो बहुत ही आसानी से आंसर देते हैं कि मेरी मम्मी बाहर नहीं जाती है मैम. मुझे बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर, क्योंकि जो पेरेंट्स में से पापा आते हैं मीटिंग में, उनका 100% में से 90% पापा को पता नहीं होता है कि बच्चा कितनी देर पढ़ता है, बच्चा क्या पढ़ता है. और वो कहते हैं कि हाँ मैम पढ़ता तो है, मैं देखता हूँ, लेकिन वो क्या पढ़ता है. आप पूरे टाइम बच्चे के साथ रहती हैं एज अ मदर, तो आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है, यस आयुषी की मदर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है तो आपके पति यानी बच्चे के पापा कहते हैं कि वाह कितना मेरा बेटा है. लेकिन जब वो ख़राब करता है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, आपने बिगाड़ा. ये बहुत ही दुख की बात होती है. तो मैं समझती हूँ कि इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं. अब कुछ परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद ही जो है लड़कियों को बोझ समझना शुरू कर दिया है. तो परसेंटेज कम है, होता जा रहा है. इस परसेंटेज को मेंटेन करना पड़ेगा और हमें बेटियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और एक महिला क्विज मैंने शुरू किया. मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया कि शायद ऐसा कोई क्विज मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला. और आपको मैं बता दूं वहाँ क्या मिला मुझे, तो एक महिला के कर्तव्य. और महिला यानी सिर्फ पत्नी, महिला के कर्तव्य को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, यानी वो एक पत्नी का कर्तव्य.
पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं। आप सभी जो है शादी ब्याह में आपने सुना होगा एक पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं कि जब पति विदेश जाए तो वो मेकअप ना करे, या बहुत इस तरह की चीज़ें मैंने पढ़ा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ये हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित हो रहा है धीरे धीरे, और इस देश में इस तरह की सोच के साथ हम जिएंगे जो आधी आबादी की सोच ऐसी होगी तो फिर जो है हम कहाँ हैं। तो आपकी इस समय इस कोविड 19 के समय में आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लेडीज़ की, हम महिलाओं की, हम अब सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, हम लेडीज़ हाउसवाइफ नहीं, अब हम होम मेकर कहलाते हैं, होम मेकर, होम मिनिस्टर। जैसे कि प्रधानमंत्री के बाद जो है गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होता है इस देश को सजाने संवारने में, वैसे ही आपका जो है योगदान है सिर्फ घर को सजाना संवारना नहीं, अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों के भविष्य को सजाना संवारना आपका कर्तव्य है, पूरा आपको अधिकार आपके पास होना चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ प्रश्न लेके आई हूँ कि आप आज के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रश्न भी होंगे जो आपकी अपनी सोच को विकसित करेंगे, या आपकी सोच आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी मेरी सोच है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आ चुके हैं। हाँ, कशिश की मदर, मैं आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। रागिनी राजपूत, यस वेलकम आपका भी। और यस, बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, आप टीचर हैं, और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप जो है इस क्विज को ज़रूर जीते। तो इस तरह से थोड़ा सा बिल्कुल प्राइस है, प्राइस लास्ट वीक के प्राइस का अनाउंसमेंट आज होगा। कुछ लोग बहुत ही ध्यान से इस क्विज को खेलते हैं तो उसका प्राइस जो है लास्ट वीक, हालांकि कम लोग थे फिर भी जो है प्राइस है, बिल्कुल प्राइस है। आपके उत्साहवर्धन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और तो मैं चलती हूँ इस तरह से पहले प्रश्न की ओर। यस कविता जी, हाथरस के कांड से सीख लेकर सभी महिला को एक होना होगा। एक पेज बना रही हूँ जल्दी ही जो सिर्फ महिलाओं के एकता का होगा, ना कोई जाति धर्म होगी, बस महिला होगी। बहुत सही, कविता जी का एक चैनल है जिंदगी लाइव, और ये इस चैनल पे काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य करती हैं। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी से आग्रह करूँगी कि आप जिंदगी लाइव चैनल पे जाएं, और इनके विचार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इनके विचार बहुत अच्छे हैं महिलाओं के क्षेत्र में, और अभी अभी जो हाथरस में घटना हुई है इस पे इन्होंने एक कविता लिखी है। हालांकि कह रही थी कि बहुत जल्दी मैं लिखा, लेकिन इनके जो इमोशंस हैं, जो अंदर के भाव हैं, वो वहाँ पे सब कुछ प्रकट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम सभी महिलाएं इस तरह की घटनाओं से इमोशन में आएं, और इमोशन में मीन्स रोए ना, ये नहीं कि इमोशन बहुत इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिए कि अरे वाह हमें तो भगवान ने हमें धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए। तो आप जो है आप बहुत लकी हैं, आप भाग्यवान हैं कि आप जो एक महिला के रूप में आपका जन्म हुआ है। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हम आते हैं कुकिंग में, ये हमारा बहुत ही फेवरेट फील्ड होता है, क्योंकि हम लोग का मन ही नहीं लगता है कि अगर हमारे किचन में कोई और चला जाता है तो हम किचन में जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और हमारा किचन में जाने का मकसद ये होता है अपनी भूख मिटाना नहीं, हम अपने परिवार को कुछ अच्छा बना कर खिलाएं। अभी लॉकडाउन में आपने सबने पास्ता बनाया होगा, और नहीं भी बनाया हो, पहले से नहीं आता होगा, तो आपने रेसिपी देखा होगा। बहुत सारे कुकिंग चैनल हैं, उसकी रेसिपीज़ को आपने देखा होगा, और वहाँ से आपने पास्ता बनाना ज़रूर सीखा होगा। ओके, क्यों भाई आप ही चलिए, है ना, मुझे तो आपका नाम ही इतना पसंद आता है। तो पास्ता बनाते समय पानी में आपने तेल डाला होगा, क्यों डालते हैं? पानी जल्दी उबले, पास्ता नमकीन हो जाए, या पास्ता जल्दी पके, या पास्ता आपस में न चिपके? क्योंकि पास्ता हम पहले उबालते हैं तब इसे बाद में बनाते हैं, तो पहले नमक क्यों डालते हैं? पानी जल्दी उबल जाए, या पास्ता नमकीन हो जाए,
यह पास्ता जल्दी पके या पास्ता आपस में ना चिपके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। शिवानी सारंग, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। रणविजय सिंह जी, अजय जायसवाल, आप सभी जो है प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नों के सारे प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में दूंगी, क्योंकि ये कंपटीशन है, तो अभी प्रश्नों के उत्तर दे देने पे आप कह देंगे कि नेटवर्क स्लो था, इसलिए मैं बाद में दूंगी, ताकि जो है एक कंपटीशन का माहौल बना रहे। आप आराम से अपना आंसर लिखिए, आप ऑप्शन क्वेश्चन लिखिए नंबर वन, जैसे बहुत लोग लिख रहे हैं। क्यों भाई, आप क्वेश्चन का नंबर भी लिखिए, तो वो ज़्यादा मुझे सेलेक्ट करने में आसानी होती है। शालिनी जी, आपका स्वागत है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इनमें से बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? कुल्फी, रसगुल्ला, खीर या पायसम? बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? कुल्फी, रसगुल्ला, खीर या पायसम? मिठाई सबको बहुत पसंद है, मिठाई उतना ही खाई जितना कि मीठे बोलने के लिए हो, क्योंकि आजकल मिठाई खाने से डायबिटीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लगा है, इसलिए मीठा बोलिए, मिठाई कम खाइए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। एक मदर एक बहुत अच्छी शेफ़ होती है, और वही अपने बच्चे को जब वो कोई भी मिठाई खिलाती है, तो उसके साथ साथ उसके गुण अवगुण और वो कहाँ से रिलेटेड है, ये सब कुछ बताना उसका करते, ताकि वो बच्चे का जीके इन्वॉल्व बढ़ता है। तो हम हर चीज़ के साथ जो है अपने बच्चे को रिलेट करें। एक बहुत ही, देखिए एक टर्म हमने कहीं पढ़ा था, इमोशनल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो सही है, लेकिन आज जो है रिश्तों में इमोशनल पॉल्यूशन आ गया है। रिश्तों की गरिमा ख़त्म होती जा रही है। आज घरों में वृद्ध जनों का जो है उनसे बच्चों को लगाव नहीं रह गया है। नहीं खुशी सिंह, मैं बंगाल की नहीं हूँ, लेकिन मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे यूपी बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल मैं यूपी में हूँ, मैं झारखंड के जमशेदपुर से हूँ। आपको मैं अपना परिचय दे दूँ, बहुत ही अच्छी जगह है, कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर वहाँ जाएंगे। तो बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? जो भी मिठाई खाते हैं उन्हें पता होगा कि बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, महाराष्ट्र में खाया जाने वाला एक ऐसा नाश्ता जो बर्गर की तरह होता है। बर्गर एक फास्ट फूड है, तो महाराष्ट्र में खाया जाने वाला ये नाश्ता जो बर्गर की तरह होता है, समोसा, काठी रोल, बड़ा पाव या फ्रेंकी? हाँ कविता जी, यही वजह है कि आज जो है सही और गलत का अर्थ समझ में नहीं आता है। आज जो भी हाथरस में या हैदराबाद में या दिल्ली में जो भी कांड हुए, उसके पीछे यही कारण है। लोगों का नज़रिया बदलता जा रहा है। महाराष्ट्र में खाया जाने वाला एक ऐसा नाश्ता जो बर्गर की तरह होता है, समोसा, काठी रोल, बड़ा पाव या फ्रेंकी? आपको भारत के हर राज्य का क्या खाना, क्या पहनना, ये सब कुछ पता होना चाहिए, और ये इस तरह से खेल खेल में बच्चों को आप बता सकते हैं कि किस राज्य का कौन सा कैपिटल है, किस राज्य में क्या खान पान है, किस तरह का रहन सहन है। ये क्लास 3-4 के बच्चों के सिलेबस में है, SST के सिलेबस में है। एक मदर चाहे तो बच्चे को घर में ही ये सब कुछ पढ़ा सकती हैं। सोशल स्टडीज, समाज की बहुत सी बातें जो है, क्योंकि समाज में हम सभी हैं, समाज की बातें जो है परिवार में ही, परिवार से समाज बनता है, और समाज से देश, और देश से विश्व,
आप इस बात को समझ सकते हैं। और इन सब की एक नींव जो है वो एक माँ है। अभी मनीषा जी की बेटी मनस्वी ने बहुत अच्छा लिखा था। आज 15 क्वेश्चन है कविता जी, 15 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रोटी चावल एवं पास्ता में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? आप जब खाना बनाते हैं, रोटी चावल या पास्ता, जब भी आप खाना बनाते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन डी। टुमारो मनस्वी हैव अ ट्रेल टेस्ट फॉर नॉर्मल करंट अफेयर्स। तो आप बताएं कि आप अपने बच्चे को जब रोटी या चावल या पास्ता खाने में देते हैं तो आपने उसमें उन्हें कौन सा न्यूट्रिएंट दिया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन डी। आप में से बहुत सी लेडीज़ जो है अभी कॉम्पिटिशन्स वगैरह क्वालिफाई करने के लिए जो है कॉम्पिटिशन दे रही है, मुझे पता है टेट वगैरह बहुत सारे देते हैं, तो इससे क्वेश्चंस भी वहाँ भी आते हैं। और एज यूजुअल जो है आपको अपने घर में भी अपने बच्चे को ये बताना चाहिए कि जब ये खा रहे हो तुम तो क्या है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप अपने बच्चे को खाना बनाते समय अच्छी तरह सिखा सकती हैं। आप मैगी या पास्ता या रोटी चावल जो भी बना रही हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको किसी को सन, किसी को ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ें जो है फोटोसिंथेसिस में जो जो प्लांट लेता है उसके थ्रू आप सिखाएंगे तो बच्चा लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। 100% गारंटी है, जो एक बच्चे को जो माँ सिखाती है वो बच्चा पूरी ज़िंदगी याद रखता है। समय की कमी है, देखती हूँ मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊँगी। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? काफ़ी लोग के उत्तर आ चुके हैं। और अगला प्रश्न आ रहा है, मेवा, मांस, अंडे इत्यादि में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन या कैल्शियम। अगर आप मेवे खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आप मीट खाते हैं, आप एग्स खाते हैं, यस, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था। विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है कोरोना में, कोरोना अगर आपका पॉजिटिव है या नहीं भी है तो आप सेफ्टी के लिए भी विटामिन सी लिया करें जो कि खट्टे फलों में है, बहुत अच्छी बात। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स, मीट, एग इत्यादि खाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है? आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन या कैल्शियम। कोरोना की कोई अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, वो विटामिन सी वगैरह ही देते हैं, विटामिन ए की भी गोलियां देते हैं, तो इस तरह से जो है जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वही देते हैं और उसी से क्योर हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का विल पावर और यस फूडी मूड। शिवानी सारंग, पुष्पा भास्कर, शिप्रा राय, और अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा गया है? सनशाइन विटामिन कहा गया है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी।
किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा गया है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी? ओहो, वेरी गुड शिवानी, तुम्हारे से सुन लो है, वेरी अच्छा लगा कि तुमने जो है शेयर किया। और कोशिश करिए कि हम सभी जो शेयर करें और एक ऐसा मंच बनाया जाए, जैसे अभी कविता जी ने एक पेज बनाया है एक फेसबुक पर, या वो फिर से लिखेंगे कहाँ पेज है उसका अगर बता देंगे तो और भी लोग उसमें ऐड हो जाएंगे, ताकि किसी एक हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं में नहीं जाना चाहते हैं, हम किसी उसमें, हमारा एक अपना मकसद ये है कि किसी भी महिला को कष्ट ना हो। जैसे अभी अभी मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, भारत विकास परिषद, उसमें अपनी मेड को है ना चना गुड़ देने की प्रथा शुरू की गई है। बहुत अच्छी चीज़ है, चना गुड़ की प्रथा इसलिए शुरू कर की गई है ताकि जो है उसे बीमारियों से बचाने के लिए। ऐसा हम आगे इसके बारे में काफ़ी अगली बार हम आपको बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर के। एक बहुत अच्छी संस्था है भारत विकास परिषद, उसमें भी महिलाओं का एक बहुत अच्छा ग्रुप है जहाँ की हम महिलाएँ काफ़ी कुछ कार्य करती हैं गरीब महिलाओं के लिए, उनको उनके विकास के लिए। तो यस, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। बहुत ही पुरुष, बहुत से पुरुष बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले होते हैं और ऐसे पुरुष फरिश्तों के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो गुण होता है वो महिला को होता है। महिलाओं के अंदर होता है गुण त्याग, तपस्या कह लीजिए, ममता, ये सब गुण बहुत से पुरुषों में भी होता है। ऐसा नहीं कि पूरा पुरुष वर्ग खराब है, पुरुष वर्ग को आप अपने साथ लेके चलेंगे, उनसे कोई दुराव नहीं है कि हम एक बाइफर्केशन करने जा रहे हैं कि महिला और पुरुष, नहीं। एक अच्छी सोच वाला एक माहौल होना चाहिए जहाँ की 100% जो है डेवलपमेंट होगा हमारी नई पीढ़ी का। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ए खिचड़ी, बी रोटी, सी चावल या फिर डी दाल? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? आपने राष्ट्रीय पशु जानते होंगे, राष्ट्रीय पक्षी जानते होंगे, बहुत सारे राष्ट्रीय, लेकिन राष्ट्रीय भोजन क्या है ये आपको बताना है। खिचड़ी, रोटी, चावल या फिर दाल? अब नहीं सहेंगे, ये पीड़ा नहीं सहना है, अब जो है आपको अपने अधिकारों को भी समझना होगा। वो बहुत खुश होकर के परिवार का ख्याल रखती है, ऐसी बात नहीं है पीड़ा सह के नाराज होकर नहीं करती है। बहुत एक महिला जो है वो बहुत खुश होकर अपने घर के लोगों का कार्य करना चाहती है, लेकिन जब बदले में उसे, तब उसे पीड़ा कहते हैं, तब उसे दुख होता है, उसके उसे बदले में जो है वो प्यार और वो सम्मान नहीं मिलता है, तब वो दुखी होती है। अदरवाइज ईश्वर ने जो है महिलाओं को ऐसा बनाया है कि वो सहन शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन आपने बताया। और साथ साथ हम चलते हैं, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का या मणिपुर का? लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का या मणिपुर का? हाँ, ये बात सही, बहुत से घरों में है ऐसा। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? खुशी सिंह, चेक करिए जरा नेटवर्क, मेरे ख्याल से यहाँ तो क्लियर है। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? बहुत ही स्वादिष्ट ये लिट्टी चोखा होता है, लेकिन ये किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का या मणिपुर का? खाते तो बहुत सारे स्टेट में है, लेकिन किस राज्य का सबसे ज़्यादा फेमस है?
उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का या मणिपुर का? अच्छा, नेटवर्क से हम नहीं लड़ सकते हैं, वो तो बहुत भला हो जियो का, अंबानी का, कि हम लोग को अभी जो है एक दूसरे की आवाज़ सुनने का मौका मिल पा रहा है डिजिटल वर्ल्ड में। लेकिन अब थोड़ी बहुत तो कमी, कल हम लोगों ने बात किया था कि ये सब जो है इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, इसी के बीच हम अपनी जगह बनाते हुए जो है आगे बढ़ेंगे, क्या करना है। तो अगला प्रश्न आ रहा है लिट्टी चोखा के बाद, अगला प्रश्न है भारत में सेब की उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? एप्पल है ना, भारत में सेब की उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? भारत में सेब की उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सेब की उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? हमें पॉजिटिव ही लेके चलना चाहिए, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन हमें जो है सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा। मनीषा जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। आज ही की मैं घटना बता रही हूँ। एक पापा आए, बच्चे का असाइनमेंट अभी हमारे यहाँ सबमिट हो रहा है, उन्होंने 3 असाइनमेंट दिया। मैंने कहा कि 3 असाइनमेंट कैसे, 13 असाइनमेंट बच्चों को सबमिट करना है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, बच्चे ने, बेटे ने दिया है। और वहीं एक मदर आई थी जो अपने बच्चे का 11 असाइनमेंट लेके आई थी, वो 2 असाइनमेंट के लिए इतनी परेशान हो गई कि मैम मैं अभी जाके ले आऊँ। मैंने कहा नहीं, आप मंडी लाइएगा। ये होती है मदर, है ना, आप जिम्मेदारी दीजिए पापा को, लोगों को भी। वो 3 और 13 में अंतर नहीं समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और बहुत इमोशनल में फील होती है। मैं मदर्स को देखती हूँ कितना वर्क करती हैं वो, और अपने बच्चे के लिए परेशान रहती हैं। तो अगला प्रश्न आ रहा है सेब के बाद, हम चलते हैं। अब ये प्रश्न जो है थोड़े से इमोशनल हैं, आपकी अपनी सोच पे निर्भर करता है। आपके विचार में एक गृहिणी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? जो कि गृहिणी क्विज है, तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? परिवार के सभी सदस्यों के भोजन के बाद भोजन करना चाहिए, पति की थाली में बचे हुए भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, खाना ना बचे तो 2 बिस्किट खाकर पानी पी लेना चाहिए, और परिवार के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक भोजन करना चाहिए। आपको इनमें से बताना है आपकी अपनी सोच क्या है, आप क्या करती हैं ईमानदारी से, कि एक गृहिणी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य जब भोजन कर ले तब भोजन करना चाहिए, या पति की थाली में ज़्यादा रोटी हो गया, सब्जी हो गया, तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, या खाना ना बचे तो 2 बिस्किट छोड़ो अपने लिए कौन बनाएगा, बहुत से लोगों की ये सोच होती है, मैक्सिमम लेडीज़ करती हैं, या परिवार के सदस्यों के साथ आपको भी अधिकार है कि सम्मानपूर्वक भोजन करें। इसमें से कोई भी आंसर आपके लिए सही हो सकता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आदर्श गृहिणी के क्या होंगे आपको पता है, लेकिन आपकी अपनी सोच क्या है, आप क्या करती हैं, अगर इसमें से जो भी है वो आपको देखना है। इसके हर आंसर सही हैं, है ना, क्योंकि हर फैमिली का अपना अपना कल्चर होता है, अपनी एक सोच होती है। तो और महिलाएं जो है बहुत ही आलसी होती है, आलसी मीन्स अपने लिए। हाँ अच्छा, आपकी बड़ी शानदार सोच है, पति के जूठन को खाने से अटैचमेंट बढ़ेगा। तो अब अगली बार जो है पत्नी खा के जूठन छोड़ दे तो भी तो अटैचमेंट बढ़ दिखना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है।
मेरे ख्याल से आज जितनी भी लेडीज हैं वो इससे सहमत नहीं होंगी। मैंने बचा हुआ भोजन कहा है, साथ खाने की बात नहीं कहा है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। आपका अपने बारे में क्या विचार है? आप अपने नाम से आपकी पहचान हो, अपने बच्चों की मम्मी के नाम से पहचान हो, अपने पति के नाम से आपकी पहचान हो, या आपको पहचान की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती? इसका अभी भी एग्जाम्पल बहुत से लोगों ने दिया है, मैं उसकी मम्मी हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ, आपने अपनी अपना नाम नहीं बताया, तो आप क्या चाहेंगी? अगली बार से मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों से कहें कि आपके नाम की आईडी बना दे, बल्कि आप खुद बनाइएगा अपने नाम की आईडी और अपने नाम की आईडी से आइए, मैं आपको अपने आपके नाम से जानना चाहती हूँ। आपका अपने बारे में क्या विचार है? अपने नाम से आपकी पहचान हो, अपने बच्चों की मम्मी के नाम से पहचान हो, अपने पति के नाम से आपकी पहचान हो, या पहचान की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है? और इस तरह से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटियों के बारे में आपका क्या अनुभव है? बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटी को जन्म देना ही अपराध है, या बेटियों को सशक्त एवं सक्षम होना चाहिए? यहाँ पे मात्रा गलत है, बेटियों में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये कंप्यूटर की मिस्टेक है। बेटियाँ बोझ होती हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटी को जन्म देना ही अपराध है, या फिर बेटियों को सशक्त एवं सक्षम होना चाहिए? अब बेटियों के बारे में आपके विचार बदलते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले लोग कहा करते थे कि जब बेटियों का जन्म होता है तो धरती में जो है क्या नीचे चली जाती है, दो दो बित्ता धरती नीचे चली जाती है, पता नहीं कैसे कैसे थे सोच थी, लेकिन बेटियां जो है घर की शान होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, या फिर आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है इसके ऑप्शंस। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। फिल्म बागवान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के कितने बेटे थे? दो, तीन, चार या एक भी नहीं? फिल्म बागवान में आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही फेमस फिल्म थी, इसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के कितने बेटे थे? दो, तीन, चार या एक भी नहीं? बहुत ही अच्छी मूवी थी, आप सभी ने देखा होगा, और आज भी जब भी ये फिल्म आती है तो इसे बार बार देखने का मन करता है, बहुत से लोग बहुत इमोशनल फील करते हैं। तो इसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के कितने बेटे थे? दो, तीन, चार या एक भी नहीं थे?
फिल्म बागवान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के कितने बेटे थे? काफ़ी कुछ आंसर मेरे सामने आ गए हैं। फिल्में आज भी हमारे भारत में बहुत अच्छी मूवीज़ भी बनती हैं, तो फिल्म बागवान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, एक भी नहीं। अगला प्रश्न आ रहा है, मोगैम्बो खुश हुआ किस फिल्म का डायलॉग है? नागिन, मिस्टर इंडिया, चांदनी या इनमें से कोई नहीं। मोगैम्बो खुश हुआ किस फिल्म का डायलॉग है? नागिन, मिस्टर इंडिया, चांदनी या इनमें से कोई नहीं। और इस तरह से हमारे जो है 15 प्रश्न पूरे हुए और मेरे ख्याल से बहुत सारे आंसर सही आए हैं। अनन्या यानी विनीता राय अभी आई हैं क्या? अभी आपने अभी स्टार्ट किया है। जब आपको नोटिफिकेशन मिलता है उसे रिमाइंडर लगा लिया करिए। आज मैंने नोटिफिकेशन काफ़ी मॉर्निंग में ही दे दिया था। ओके विनीता जी, जल्दी जल्दी आपके आंसर आ रहे हैं। और इस तरह से जो है, हाँ तब तक मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मदर और बेटे का रिलेशन में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मदर जो है जो सिखाती है बच्चे को वही जो है बच्चा सीखता है। हमने कई बार क्लास में बच्चों को सुनाया है मॉरल साइंस के पीरियड में और बच्चे काफ़ी इमोशनल फील करते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो कभी कभी मदर जो है बच्चे को जो सिखाती हैं उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। एक बच्चा था जो कि छोटा बच्चा, उसके दिमाग में जो भर दीजिए। तो वो अपने स्कूल से एक दिन पेंसिल चुरा के लाया। मम्मी ने कहा कि वाह बहुत अच्छा हुआ, डांटने बजाय उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ पेंसिल नहीं खरीदना पड़ेगा। यस, अब मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कशिश की मदर है, आपका नाम शोभा राय है, वेरी गुड। ये चेंज आता है, देखिए ये चेंज अभी तुरंत आया, आपकी अपनी पहचान। तो दूसरे दिन फिर बच्चा जो है कुछ और भी चुरा के लाया स्कूल से, मदर बहुत खुश हुई, चलो ये भी नहीं खरीदना पड़ेगा। इस तरह धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर चोरी की आदत पड़ती गई। मैं इसको बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, बच्चों को बहुत डिटेल में सुनाती हूँ ताकि बच्चे फील करें। तो अब वो छोटी मोटी चोरियाँ करने लगा, फिर वो अब इसके बाद जो आदत पड़ गई थी अब बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगा। और इस तरह से करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा डकैत बन गया, समझ लीजिए। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने उस डकैती में जो मर्डर भी किया था, सब कुछ किया था, क्योंकि उसमें को तो आदत पड़ गई थी चोरी करने की। तो उसे फांसी की सज़ा हुई। पुलिस ने कहा कि जज ने या पुलिस ने जो भी थे उन्होंने कहा कि अंतिम समय में तुम किसी से मिलना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बुलाया गया, भाई अब तो जो है फांसी लगेगी, तो माँ आई। इसने अपनी माँ से कहा कि मेरे नज़दीक आइए, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे वो उसके नज़दीक गई, उसने बहुत तेज़ी से अपने दांतों से अपने कान को काटना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगी। सारे पुलिस वाले उन्हें हटाया, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरी माँ मेरी गलतियों को सुनती थी और मुझे और जो है कहती थी कि बहुत अच्छा है, यही कान थे जिसने जो है मुझे आज इस कंडीशन में पहुंचाया है कि मैं जो है आज मुझे फांसी लगने वाली है। तो एक माँ जो है अगर अपने बच्चे की गलत चीज़ों को एप्रिसिएट करेगी तो वही हस्र होगा। तो अगर कुछ गलती करता है
तो आप खुद उसको सजा दीजिए। मैं पापा से कहूंगी वाली बात नहीं, आप खुद उसके लिए इसने एबल बनिए कि वह आपको भी रिस्पेक्ट दे, क्योंकि बच्चों की बात सुन के बहुत कष्ट होता है उनके, स्पेशली बॉयज़ की, जो 8th-9th लेवल के बच्चे हैं। हालांकि वो सुन रहे होंगे, कहेंगे मैम मेरी कंप्लेन कर रही हैं, लेकिन इस लेवल के बच्चे जो है वो उनके अंदर आने लगता है कि मम्मी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप लोग इसका ध्यान रखें और हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला नहीं पिछला, हम लोग चलेंगे इसके उत्तर देखेंगे। मैक्सिमम लोग के आंसर सही थे, फिर भी जो है ये सब बहुत ही कॉमन, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि आप इस फील्ड में कुछ तैयारी भी करें, ताकि जो है हम लोग आप आंसर दे सकें, वरना पहले ही आपको बहुत टफ लगेगा कि इतने कठिन प्रश्न आ रहे हैं। पास्ता बनाते समय पानी में नमक तेल क्यों डालते हैं? क्योंकि पास्ता आपस में न चिपके, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। आप उस रीज़न को मैं बताऊंगी तो आप आगे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप उसका साइंटिफिक रीज़न भी देखिए कि वहाँ क्या होता है, कौन सा प्रोसेस चलता है उस पानी में, उबलते हुए पानी में तेल डालने पर, कि वो पास्ता आपस में नहीं चिपकता है। आप अपने, आप सभी के पास जो है आजकल स्मार्टफोन है, स्मार्ट बनिए मदर्स, और आप नई नई चीज़ें पढ़िए और अपने बच्चे से ज़्यादा तेज बन के उसे सिखाइए कि ये चीज़ मैंने आज पढ़ा है, ताकि जो है आपका बच्चा आपको समझे कि हाँ आपको नॉलेज है। ये ना कहे कि मेरी मम्मी कहीं नहीं जाती, उनको कुछ नहीं आता है, दिस टाइप। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, इनमें से बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? ये सबने आंसर लिखा था सही, रसगुल्ला, ऑप्शन बी, वो रसोगुल्ला बोलते हैं, सफ़ेद रसगुल्ला है ना, रसोगुल्ला, स्पंज रसगुल्ला, बहुत सारे नाम बोलते हैं, लेकिन ये बंगाल की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। आप में से कोई भी जब भी बंगाल जाएंगे तो ज़रूर खाएंगे, और अगर आएंगे तो मेरे लिए भी लाएंगे। खुशी सिंह कह रही थी, खुशी सिंह, मुझे पता है कि उनकी मम्मी का कुछ और भी नाम है, प्लीज़ आप अपना नाम लिखा करिए। महाराष्ट्र में खाया जाने वाला एक ऐसा नाश्ता जो बर्गर की तरह होता है, महाराष्ट्र में आप नहीं भी गए होंगे तो भी आपको पता है कि वहाँ का स्ट्रीट फूड बड़ा पाव बहुत फेमस है, जो कि बर्गर की तरह बनता है। बर्गर तो बाद में आपने देखा, बड़ा पाव बहुत दिन से चलता था इंडिया में, और ये इंडियन बर्गर है। रोटी चावल एवं पास्ता में क्या पाया जाता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हर फैमिली में, फैमिली के हर मेंबर के फूड में आप किस तरह का फूड दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट जो उनका लंच डिनर जो भी ये चीज़ें हैं उनको किस तरह से खाना आप दे रहे हैं, ये आपको एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक होम मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगला है प्रश्न है, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, और ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। कविता जी ने कहा था कि ये कोरोना पेशेंट को देते हैं विटामिन सी, और अगर कोरोना पेशेंट आप नहीं भी हैं तो सेफ्टी के लिए विटामिन सी का सेवन जरूर करते रहें। अगला प्रश्न है, मेवा मांस अंडे इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयरन, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर किसी को खाने में ज़रूरत है कि उसे आयरन की कमी है, कैल्शियम, आपको ये समझ जाएंगे कि फैमिली में किसको क्या चाहिए, डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट करते रहें और उसके हिसाब से खाना ज़रूर दें। निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा गया है? ये सबका मैक्सिमम लोग का आंसर सही था, विटामिन डी। हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं और विटामिन डी का सेवन करते हैं, तो सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। बिना देखे सोलर एनर्जी, सोलर के सिस्टम के बिना हम बेकार हैं, है ना, ना दिन होगा ना रात होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। ये मैंने देखा था मास्टर शेफ जो कहीं ऑस्ट्रेलिया या कहीं हो रहा था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेशनल फूड ऑफ इंडिया। आप देखिए ये इस तरह की चीज़ों को जो है इंडिया, भले इसको जो इसी चीज़ को वो दूसरे दूसरे नाम से कहते हैं, बट हम लोग उसे खिचड़ी कहते हैं, सब कुछ मिला देते हैं, चावल दाल सब्जी वगैरह, और एक फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को, खिचड़ी, मकर संक्रांति, और उस दिन जो है बड़े चाव से खाया जाता है, और कोशिश किया जाता है कि हर सैटरडे यानी वीकेंड हमारा खिचड़ी से बनता है। खिचड़ी देखिए बहुत पहले से कहते कि सैटरडे को खिचड़ी बनना चाहिए, मैं नहीं जानती उसका क्या रीज़न है,
साइंटिफिक रीज़न है या नहीं, लेकिन आज जिसे हम वीकेंड समझते हैं, नहीं वीकेंड में रिलैक्स लाइफ जीते हैं, मेरे ख्याल से पहले का ये भी एक तरीका था। खिचड़ी एक साथ बन जाता था और सबसे खाते थे। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? हाँ, ज़रूर उत्तर प्रदेश में भी ज़रूर खाते हैं, लेकिन ये है असली प्रसिद्ध है बिहार का। तो बिहार का लिट्टी चोखा ज़रूर आप खाएंगे और वो टेस्ट शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा जो बिहार में मिलता है। भारत में सेब की उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सेब ठंडी जगह पे होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो तीन जगह ठंडी जगह का नाम दिया था तो, लेकिन सबसे राइट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर होता है, और भी हिमाचल प्रदेश वगैरह में होता है, सॉरी हाँ जम्मू कश्मीर सही है, हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है। भारत में सेब की उपज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। आपके विचार में गृहिणी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ये आप मैंने आपसे कहा था कि इसके आंसर आप अपने हिसाब से लिखे करिए कि आप सभी एक आदर्श गृहिणी हैं, क्योंकि सब ने लिखा था ऑप्शन डी, और यही सही आंसर है कि आप अपना भी सम्मान बनाए रखिए, परिवार के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक भोजन करिए। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ अतिथि है जिसमें कि गेस्ट ऐसे हैं जहाँ कि हम उनके सम्मान में उनके बात करते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी ठीक है परिवार के सदस्यों के भोजन के बाद भोजन करना, लेकिन ये नहीं कि बचा खुचा खाए और न बचे तो बिस्किट खा के पानी पी के सो रहे, ऐसा काम मत करिएगा। तो अगला प्रश्न है, आपका अपने बारे में क्या विचार है? अभी अभी हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, और कशिश की मदर ने अभी बता दिया कि उनकी अपनी पहचान है। आप सभी अपनी पहचान से अपने आप को अपनी पहचान देंगे। फलाने की बेटी है, फलाने की मम्मी है, उनकी पत्नी है, ये पहचान की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी भी पहचान होनी चाहिए, वो एडिशनल हो, है ना, कि हाँ ये कशिश की मदर है। या बेटियों के बारे में आपका क्या अनुभव है? बेटियाँ बोझ होती है तो कत्ते ही नहीं, तो गलत जवाब है। बेटियाँ घर की लक्ष्मी होती है, सिर्फ लक्ष्मी नहीं, तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक है कुछ हद तक, लेकिन परसेंटेज कम है। सिर्फ लक्ष्मी बना के रखने से काम नहीं चलेगा, बेटियों को जन्म देना ही अपराध है, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। बेटियों को सशक्त एवं सक्षम होना चाहिए। आप बेटियों को लक्ष्मी मत बनाइए, सिर्फ लक्ष्मी बनाने से काम नहीं चलेगा, वो विष्णु जी के पैर ही दबाती रहेगी, इसलिए आप बेटियों को सशक्त एवं सक्षम बनाइए। अगला प्रश्न है, फिल्म बागवान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के कितने बेटे थे? मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही है, चार। काफ़ी लोग के आंसर सही थे, एक शिवानी ने मुझे कहा तीन थे और एक, तो मेरे ख्याल से बेटे तो चार ही थे, तो ये ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है, मोगैम्बो खुश हुआ किस फिल्म का डायलॉग है? ये है ऑप्शन बी, मिस्टर इंडिया। आप सभी को इस फिल्म की याद आ गई होगी, मिस्टर इंडिया की, मोगैम्बो भी याद आ गया होगा, और इस फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी भी याद आ गई होगी, बहुत ही अच्छी अभिनेत्री थी, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, ये तीनों फिल्म उन्हीं की है, नागिन, मिस्टर इंडिया या फिर चांदनी, ये सब सारी फिल्में जो है श्रीदेवी की है। उसमें मोगैम्बो खुश हुआ इस फिल्म का डायलॉग था, जो बहुत ही फेमस था उस समय, अभी भी इस सेंटेंस के साथ उस फिल्म की याद आती है। तो इस तरह से 15 प्रश्न जो है पूरे हुए, और पिछले सैटरडे को जो क्विज हुआ था उसमें दो लोग, उसमें लोग कम थे, 20 या 22 लोग थे यही गेम खेल रहे थे, बाकी लोग से गवाह बने हुए थे, लेकिन जो गेम खेलने वाले थे वो 20 या 22 थे, जिसमें कि फिर से जो है शिप्रा राय और खुशी सिंह इस बार की फिर से विनर रही हैं, शिप्रा राय और खुशी सिंह। लास्ट सैटरडे को दो लोगों का जो है आंसर्स मैक्सिमम, हालांकि शिप्रा और खुशी एक या दो नंबर का डिफरेंस था, लेकिन कम लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ था, तो हम इस बार भी दो लोगों को फिर से प्राइज़ देने वाले हैं। शिप्रा जी ऑलरेडी एक बार की विनर रह चुकी हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्विज़ की, और मेरे ख्याल से क्विज़ 10 की विनर है वो, और अभी हमारा क्विज़ 11 चल रहा है, और ये फिर से गृहिणी क्विज़ के भी विनर हैं शिप्रा राय। तो आप दोनों लोग को काफ़ी बधाई हो,
आपको आप सभी को शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि हम लोग फिर अगले सैटरडे को मिलें 5 PM, क्योंकि मैंने लेट का नहीं रखा है, क्योंकि लेडीज़ को बहुत सारा काम होता है, खाना वाना बनाना होता है, फिर वही वीकेंड की बात है। अब से ध्यान रखिए, वीकेंड मतलब खिचड़ी, थोड़े से मॉडर्न स्टाइल में बने बट खिचड़ी। और आप बताइए कि आज घर में नेशनल फूड बनेगा, राष्ट्रीय भोजन है हमारे देश का, और खिचड़ी बने और हम सब इंजॉय करेंगे वीकेंड को। तो आप लोग लगे रहिए। विनीता जी, आप बहुत लेट से आती, आपके आंसर्स मैक्सिमम सही थे आज भी मैंने देखा। यस मनीषा जी, वी ईट खिचड़ी ऑन सैटरडे बिकॉज इट रिड्यूसेस द बैड इफेक्ट्स ऑफ सनी देव एंड मेक्स हिम हैप्पी। वेरी गुड, बहुत अच्छे थॉट है सनी देव। हमें बहुत ही धार्मिक मान्यताओं को भी लेके चलना चाहिए, हालांकि बहुत रूढ़िवादी मान्यताओं को नहीं लेके चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। धर्म ही है जिसको कि आज महिलाएं ही हैं जो कि धर्म को अपने साथ लेके चल रही हैं, वरना इस धर्म का क्या हुआ होता। और सबसे बड़ा धर्म, मैंने एक स्पीच में सुना था कविता जी से, मैं बहुत सहमत हूँ, उन्होंने कहा था सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। लेकिन ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें, भले ही डर से हम करें या जो भी चीज़ें हैं, हमें उसी ओर ले जाती। जितने भी धर्म में जितनी बातें बताई गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें हमें मानवता से ही जोड़ती हैं। तो मानवता को बनाए रखिए, इंसानियत को बनाए रखिए, तो फिर एक दिन जो है हमारा देश बहुत आगे जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इंसानियत है, और आज इंसानियत जहाँ ख़त्म हो रही है, हम सभी एक वहाँ पे उस इंसानियत को बरकरार रखने में कोशिश करें कि हमारा जो है कुछ सहभागी बने। हम लोगों को इंसानियत, हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर हम इंसानियत को बनाए रखने में अपना सहयोग कर सकते हैं। और मैं आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे गुजारिश करूँगी कि आप अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस का, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा समय चल रहा है कि सबको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, तो सबका मनोबल बढ़ाए रखिए। क्योंकि जहाँ भी कोरोना वगैरह का इफेक्ट हो जा रहा है, हमारे एक परिचित को कोरोना हुआ, जिनका कि बहुत ही डिप्रेशन में वो लेडी चली गई हैं, तो ऐसा कुछ ना हो, आप उनसे फ़ोन से कांटेक्ट रखा करिए, क्योंकि उन्होंने सबसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया। हालांकि वो अब ठीक हो गई हैं, उनका नेगेटिव रिपोर्ट आ गया है, लेकिन उनके फैमिली वाले परेशान हैं कि वो डिप्रेशन में चली गई हैं, तो ये भी एक इफेक्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और लोगों का सहयोग करना पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने सैटरडे जो है हम सब एक साथ मिलकर एक काफ़ी अच्छा समय बिताए। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को, नोटिफिकेशन आए तो उसे प्लीज़ आप रिमाइंडर लगा दीजिएगा जो लोग आज लेट आए हैं। बहुत अच्छा बेटा, है ना, आप जो है हमसे आज से शुरुआत करेंगे, अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा, एकजुट होना होगा, बिल्कुल होना होगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।